ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। उत्तराखंड प्रदेश में बेशक आम आदमी पार्टी अपने पैर जमाने की कोशिश ही नहीं कर रही है, बल्कि आगामी वर्ष 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की बात कहती नजर आ रही है और सरकार बनाने के दावे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने देहरादून के IRDT के सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान घोषणा की है। अब उप मुख्यमंत्री के इस चुनावी घोषणाओं को उत्तराखंड प्रदेश की जनता किस तरह से लेती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन प्रदेश में सियासत का किला फतेह करने की सोच रखने वाली आप पार्टी शायद ये भूल रही है कि आप पार्टी आगामी चुनाव जीतकर एक स्वच्छ व भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की बात कर रही है। लेकिन मनीष सिसोदिया की ये घोषणा धरातल पर महज एक ढोंग साबित होने जैसा प्रतीत हो रहा है। कारण जिस आप पार्टी की नींव ही धोखा व झूठे वायदे से बनी हो, तो वही आप पार्टी खुद को बेदाग कैसे कह सकती है, क्योंकि आप पार्टी का इतिहास भी देश के लोगों से छुपा नहीं है। ये वही आप पार्टी है जिसने आंदोलन रतन कहे जाने वाले लोह पुरुष अन्ना हजारे के कंधों के सहारे अपनी पहचान बनाई है और जैसे ही देश भर के असंख्य लोग हजारे के आंदोलन में जुड़ गए और उस असंख्य भीड़ को भुनाने में मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल ने जरा भी देर नहीं लगाई और आम आदमी पार्टी की बुनियाद रखकर आज देश की राजधानी दिल्ली पर काबिज हैं। लेकिन आज वही केजरीवाल की पार्टी प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार को राजधानी देहरादून में ललकारते हुए नजर आ रही है। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने तो CM के विधानसभा में जाकर एक जर्जर स्कूल को दिखाकर CM को वर्कलेस सरकार बताया है। अब फैसला प्रदेश की जनता को ही करना है कि वह प्रदेश के पूर्व की पार्टियों पर भरोसा करें या फिर अन्ना हजारे को धोखा देकर बनी आम आदमी पार्टी पर। जो आम आदमी पार्टी धोखे अन्ना हजारे को धोखे देकर पार्टी बनी, ऐसे प्रदेश की जनता कैसे विश्वास करेगी पार्टी पर? नहीं, ऐसा कोई धोखा नहीं दिया। अन्ना जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। मुझे लगता है जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको पता है कि स्कूल पर खड़े होकर बहस करने की औकात उनकी नहीं है, मुद्दों पे जनता के मुद्दों पे खड़े होकर करने की बात नहीं है, उनकी उनमें दम नहीं है, इसलिए इधर उधर की बात करते हैं। उनको करने दीजिए, उन्हें कोई पढ़ने नहीं आता। अब मुझे बताइए, अगर ऐसा स्कूल मुख्यमंत्री की विधानसभा में है, पूरे उत्तराखंड में तो जो उन्होंने किया होगा, अपने विधानसभा के स्कूल को ठीक नहीं करवा पाए मुख्यमंत्री जी, यहाँ तो ऐसा कर देते कि प्राइवेट स्कूल से लोग निकाल के अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में लाते। यहाँ तो जिसके बच्चे पढ़ रहे होंगे वो भी सोच रहे होंगे भाई किसी से तरह से हमारा जुगाड़ लग जाए, हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज देंगे। तो मुख्यमंत्री जी को अपनी विधानसभा में तो कम से कम कुछ स्कूल कर देने चाहिए थे ठीक। बड़ा अफसोस है कि उत्तराखंड के बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है त्रिवेंद्र रावत सरकार और उनके पेरेंट्स को मजबूर कर रही है कि वो अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं, जबकि टैक्स लेती है इन स्कूलों को ठीक कराने। श्रमिक मंत्री स्टोरी हेड आलोक शर्मा की एक खास रिपोर्ट।